जय जिनेंद्र, मैं प्रीति सोगानी, भारत बाहुबली चैनल प्रीति सोगानी की अपनी रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एक और नई रेसिपी के साथ आप सब से मिलने आए हैं और जो आज हमारी मेहमान हैं वो हैं गरिमा जैन, और वो बताएंगी आप सबको कि आज उनकी रेसिपी में आप सबके लिए क्या है, जो वो क्या बनाना चाहती है। वैसे हैप्पी बर्थडे टू यू गरिमा जी, आज इनका हैप्पी बर्थडे है। गरिमा जी, आप हमें बताइए कि आप क्या बनाने वाले हैं। जी, मैं गरिमा जैन, सबसे पहले आप सभी को सादर जय जिनेंद्र करती हूँ। मैं आज एक बहुत ही इजी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है और हमेशा यही डिमांड आती है कि हमें गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े खाने हैं, और चातुर्मास का समय है, हम आलू प्याज के पकौड़े नहीं बना सकते। जय जिनेंद्र, मैं प्रीति सोगानी, भारत बाहुबली चैनल प्रीति सोगानी की अपनी रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एक और नई रेसिपी के साथ आप सब से मिलने आए हैं और जो आज हमारी मेहमान हैं वो हैं गरिमा जैन, और वो बताएंगी आप सबको कि आज उनकी रेसिपी में आप सबके लिए क्या है, जो वो क्या बनाना चाहती है। वैसे हैप्पी बर्थडे टू यू गरिमा जी, आज इनका हैप्पी बर्थडे है। गरिमा जी, आप हमें बताइए कि आप क्या बनाने वाले हैं। जी, मैं गरिमा जैन, सबसे पहले आप सभी को सादर जय जिनेंद्र करती हूँ। मैं आज एक बहुत ही इजी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है और हमेशा यही डिमांड आती है कि हमें गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े खाने हैं, और चातुर्मास का समय है, हम आलू प्याज के पकौड़े नहीं बना सकते। इसलिए उसकी जगह मैं आपको एक बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट से पोहा के पकौड़े बनाना जा रही हूँ, जिसको आप बहुत ही हेल्दी, बहुत ही क्रिस्पी बना सकते हैं। तो वो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे बनाया जाता है पोहा के पकौड़े। हमने खीरे के पकौड़े सुने थे, हमने केले के पकौड़े सुने थे, वेजिटेबल्स के पकौड़े सुने थे, मगर पोहे का पकौड़ी मैंने पहली बार सुना है। बिल्कुल, मैं खुद उत्साहित हुई देखने के लिए कि आप पोहे के पकौड़ी कैसे बनाते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या सामान चाहिए आप बताइए। हम लोग को इन्ग्रीडियंट्स चाहिए पोहा, जो बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है हर घर पर, बेसन वो भी बहुत ईजिली अवेलेबल है, जितनी आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं वो आप डाल सकते हैं, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, मटर, धनिया पत्ती, उसके अलावा जितने मसाले हैं, अगर आपको बहुत स्पाइसी बनाना है गरम मसाला, कुटी हुई मूंगफली अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, तो उससे आपको टेस्ट और थोड़ा सा अच्छा आएगा। ये पोहा हम लोगों ने अच्छे से धो के, दो तीन बार धो के 10-15 मिनट के लिए इसको भिगो के रखा है, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो इसको गूंथने के लिए हमको इसको सॉफ्ट करना ज़रूरी है। अब मैं इसको थोड़ा सा, जी, पानी निकाल के थोड़ा सा हम इसमें पानी छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे, जैसे गाजर है। अगर गाजर नहीं खाना चाहते नहीं तो आप नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। जय जिनेंद्र, मैं प्रीति सोगानी, भारत बाहुबली चैनल प्रीति सोगानी की अपनी रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एक और नई रेसिपी के साथ आप सब से मिलने आए हैं और जो आज हमारी मेहमान हैं वो हैं गरिमा जैन, और वो बताएंगी आप सबको कि आज उनकी रेसिपी में आप सबके लिए क्या है, जो वो क्या बनाना चाहती है। वैसे हैप्पी बर्थडे टू यू गरिमा जी, आज इनका हैप्पी बर्थडे है। गरिमा जी, आप हमें बताइए कि आप क्या बनाने वाले हैं। जी, मैं गरिमा जैन, सबसे पहले आप सभी को सादर जय जिनेंद्र करती हूँ। मैं आज एक बहुत ही इजी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है और हमेशा यही डिमांड आती है कि हमें गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े खाने हैं, और चातुर्मास का समय है, हम आलू प्याज के पकौड़े नहीं बना सकते। इसलिए उसकी जगह मैं आपको एक बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट से पोहा के पकौड़े बनाना जा रही हूँ, जिसको आप बहुत ही हेल्दी, बहुत ही क्रिस्पी बना सकते हैं। तो वो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे बनाया जाता है पोहा के पकौड़े। हमने खीरे के पकौड़े सुने थे, हमने केले के पकौड़े सुने थे, वेजिटेबल्स के पकौड़े सुने थे, मगर पोहे का पकौड़ी मैंने पहली बार सुना है। बिल्कुल, मैं खुद उत्साहित हुई देखने के लिए कि आप पोहे के पकौड़ी कैसे बनाते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या सामान चाहिए आप बताइए। हम लोग को इन्ग्रीडियंट्स चाहिए पोहा, जो बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है हर घर पर, बेसन वो भी बहुत ईजिली अवेलेबल है, जितनी आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं वो आप डाल सकते हैं, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, मटर, धनिया पत्ती, उसके अलावा जितने मसाले हैं, अगर आपको बहुत स्पाइसी बनाना है गरम मसाला, कुटी हुई मूंगफली अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, तो उससे आपको टेस्ट और थोड़ा सा अच्छा आएगा।
ये पोहा हम लोगों ने अच्छे से धो के, दो तीन बार धो के 10-15 मिनट के लिए इसको भिगो के रखा है ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो इसको गूथने के लिए हमको इसको सॉफ्ट करना ज़रूरी है। अब मैं इसको थोड़ा सा जी पानी निकाल के थोड़ा सा हम इसमें पानी छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे, जैसे गाजर है। गाजर नहीं खाना चाहते नहीं तो आप नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी शिमला मिर्च, शिमला मिर्च आप चाहें तो येलो कैप्सिकम, नहीं थोड़ा सा येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा ये कलरफुल हो जाए। थोड़ा सा मटर के दाने, जी मटर के दाने आप विंटर है आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दीजिए ताकि उसका थोड़ा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप अच्छी मिर्च डाल सकते हैं, अदरवाइज आप एक दो मिर्च काट के इसमें डाल सकते हैं। और इसमें आप मूंगफली डाल दीजिए, अगर आप खा सकते मतलब इजीली आप बाइट कर सकते हैं, आपके बच्चों को अच्छा लगता है तो आप मूंगफली डाल दीजिए। लाल मिर्च डाल दीजिए, ये सब आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं क्योंकि सबका अपना अपना टेस्ट होता है नमक का, मिर्च का। ये है हींग, हींग से थोड़ा सा टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है तो थोड़ा सा हम हींग डालेंगे इसमें। हल्दी आप डाल सकते हैं थोड़ा सा कलर के लिए। अदरक, अदरक अगर आप चातुर्मास में नहीं खाना चाहते हैं जमकर तो आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप डाल सकते हैं। अदरक मैं आज स्किप कर रही हूँ क्योंकि बच्चों का शो है, बच्चों के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्पाइसी होता है तो बच्चों के लिए, जी चातुर्मास भी है हम जमीकंद हम नहीं खाना चाहेंगे इसलिए मैं अदरक थोड़ा सा स्किप कर दूँ। आप इसमें चाहें तो कॉर्न डाल सकते हैं, येलो कॉर्न, येलो कैप्सिकम डाल सकते हैं ताकि थोड़ा सा कलरफुल हो जाए, बच्चों को और अच्छा लगे खाने में। ये मिक्स करने के बाद देखिए हमारा ये मिक्सर इस तरीके से हो गया है, कलरफुल मिक्सर है एकदम, काफ़ी कलरफुल है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप इसको क्या करेंगे? अब मैं इसके पकौड़े बनाऊंगी, पकौड़े बना के हम इसको बेसन में डिप करके और हम फ्राई करेंगे। ओके, तो बेसन में क्या, ये बेसन को बेसन में ऑलरेडी हम लोगों ने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और धनिया डाल रखा है ताकि जब इसकी बाहर प्लेटिंग आएगी तो वो काफ़ी सुंदर सी हमें। मैं थोड़ा सा अपने हाथों में ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये जो पकौड़े हम बना रहे हैं ये हमारे हाथ में चिपके नहीं। और इन पकौड़ों को आप कोई भी शेप दे सकते हैं जैसा आपका बच्चा पसंद करता है, या बड़े घर के पसंद करते हैं, सर्कल बना सकते हैं, राउंड बना सकते हैं, ओवल बना सकते हैं, कटलेट का शेप। हरी मिर्ची कम करना पड़ेगा और अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें खूब सारा हरी मिर्ची काट के दीजिए और तीखा तीखा एकदम चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ इसको लीजिए। मैं ये मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैं इसको बना के खाने वाली हूँ क्योंकि वैसे भी मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है तो कॉफ़ी के साथ मैं इसको ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करूँगी, कभी ना कभी घर पे बना के खिलाऊँगी और मैं अपने फ्रेंड्स को भी खिलाने वाली हूँ। तो आप लोग भी देरी मत करिए, आप भी जाइए फटाफट इसको कुक करिए और अपने फ्रेंड्स को इसको बना के खिलाइए, देखिए आपके भी वाहवाही होगी। कॉफ़ी और चाय के साथ सर्व करिए। जय जिनेंद्र, फिर मिलूँगी किसी और कंटेस्टेंट के साथ, आप सबके दरबार में वापस हाजिर होंगी एक नई प्रतिभा को लेके, एक नई रेसिपी को लेके। जय जिनेंद्र। आज का टिप, अनार दाना। अनार में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है और जिससे आपके बीमारियों से लड़ने की एक ताकत आपके शरीर में मौजूद रहता है और बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारियों से भी आप इसे जूझ सकते हैं, जैसे कि दिल की बीमारियां और यहां तक कि कैंसर की बीमारियों से भी अनार हमें बचाता है। तो प्लीज़ आप सब अनार रोज़ एक कटोरी ज़रूर से ज़रूर खाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए।